सब्सक्राइब कीजिए सबसे तेज न्यूज चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट समाचार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शांति से बात करो। आप भाई रखिए, बात करना बहुत हो रहा है। हट गया कमरा, हट गया ना। तेरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं
कर यार उससे जुल्म प्रत्याशी थे मुझे पीछे मत से हराया गया हम प्रचार महोदय से शांतिपूर्ण हम प्रचार महोदय से चाहेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं कि आप रिकाउंटिंग करवा दे अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से हम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीपक यादव के साथ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चले जाएंगे और मैं छात्रों के मत का सम्मान करता हूँ अगर उन्होंने मुझे नहीं चुना है तो मैं चला जाऊंगा लेकिन कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से जब हम प्रचार भी कैंपस में कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक जाति विशेष के लोगों द्वारा राघवेंद्र सिंह की मदद की जा रही थी कहना चाहते हैं अगले सीजी से कहना चाहता हूँ जिस तरह से बड़े ने कहा हमारे कैंडिडेट सामने कि तुम अगले और चुनाव लड़ चुके हो खारिज हो जाएगा चुनाव लड़ शासन सत्ता के दबाव में इतना और यहाँ प्रशासन से मैं चाहूंगा कि काउंटिंग कराएं बस हमारी एक हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार महोदय से और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप रिकाउंटिंग करा दीजिए अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ चले जाएंगे बोलने का मौका तक नहीं दिया सही प्रशासन सब सब हुए खड़े थे बाहर 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 कर दिया गया सर मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ प्रचार चुनाव आ रहे हैं तो आप रिकाउंटिंग करा दीजिए मैं बस तीन लोग बैठूंगा रिकाउंटिंग में चंदन सहानी अमन यादव मैं यहाँ का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ वर्तमान उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है और कराइए मैं हार जाऊंगा सम्मान से मैं आपका पैर छूते हुए काले से बाहर निकल जाऊंगा यदि आप मैं एक शब्द नहीं आपसे पूछूंगा कि सर आप तो बचाने के लिए पढ़ाया कि बेटा तुम्हारा पर्चा खारिज हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं तुम बीजेपी से बिलोंग करते हो तुम्हारा पर्चा बचाने की कोशिश में लगा हूँ और उन्होंने पर्चा बचाया उनका जब मैं आपत्ति दाखिल करने आया तो मेरा प्रचार महोदय ने कहे कि बेटा मैं किसी का पर्चा खारिज नहीं करूंगा मैंने कहा गुरुजी तो छात्र अध्यक्ष का चुनाव मैं भी लड़ चुका हूं मैं भी पर्चा खरीदूं और दोबारा लड़ सकता हूं तो कहे कि नहीं तो मैंने कहा कि तब तो लिंग दो में नियम है कि जो कॉलेज प्रशासन किस पद से चुनाव लड़ा मंत्री पद से लेकिन सर लिंग दो के चार नंबर और के नौ क्रमांक पे दिया है कि किसी भी विश्वविद्यालय या काला महाविद्यालय से संबंधित किसी भी पद पे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ सकता लड़ चुका है वो दूसरे बार काले तो आपने कहीं आपत्ति दाखिल की उसकी जी प्रिंसिपल साहब ने नहीं लेने के लिए तैयार था कहा कि मैं किसी का पर्चा नहीं खारिज करूंगा आप चुनाव लड़िए मैंने चुनाव लड़ा सर वहां तक मैं संतुष्ट था लेकिन प्रिंसिपल ने आज हमको चुनाव हरा दिए मैं इस पे भी तैयार हूँ कि आप रिकाउंटिंग कराइए मैं चुनाव हरा हूँ तो मैं आपका सम्मान गुरु के सम्मान से मैं कॉलेज के बाहर चला जाऊंगा लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्ता के हनक और दबाव में आके विरोध में आज छात्र लामबंद है रिकाउंटिंग की मांग को लेकर सत्ता के विरोध में लामबंद है और ये देख रहे हैं तस्वीरें आप सबसे तेज बैठाने वाला होगा Ah!
पवित्रा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।